हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर न्यूट्रिशन में, तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, नेशनल प्रोग्राम हैं जो जिसमें अगर कुपोषण होता है या ऐसी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज होती है जो बहुत सारे प्रोग्राम द्वारा आम जनता को बताई जाती है या उन व्यक्तियों को बताई जाती है जो इनका ज्ञान या इनकी नॉलेज इनको नहीं होती है। कि कई बार देखिए ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन जो होते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि कुकिंग के मेथड से भी प्रॉपर नहीं मिल पाते फूड में, या जो हम फ्रूट्स खाते हैं या जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वो कई बार कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि किस चीज़ में क्या मिलता है या किसको कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, या अगर उस प्रोडक्ट को या उस भोज्य पदार्थ को अगर हम नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों की यानी उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। तो इसी जिसके कारण क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विटामिन्स की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, या जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाता है, या आँखों में एक तरीके से अंधापन कह सकते हो, या आँखों की रोशनी पे बच्चों को इफ़ेक्ट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन जो होती है वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ज़्यादा होती है। तो इसी तरह की बहुत सारी जो नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उसके बारे में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो नॉलेज एक तरीके से जानकारी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे भोज्य पदार्थों में, अगर हम उनका सेवन नहीं करते हैं तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। कई बार हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है प्रॉपर, या जो हमारा प्रोटीन है प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है बॉडी में, या कैल्शियम की कमी होने लगती है, आयरन की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है। तो इन्हीं से संबंधित यानी कि जब इन चीज़ की पूर्ति नहीं होगी हमारी बॉडी में तो इन्हीं की कमी के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। कई बार कंडीशन जो ये होती है वो कुपोषण के कारण भी होती है कि जो प्रॉपर मात्रा में जो है भोजन भी ना मिलने के कारण भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो है शरीर को हो सकती है। तो खराब स्वास्थ्य व कुपोषण को बढ़ाने वाले घटक की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एक तरीके से जो स्वास्थ्य है उसको ख़राब कर सकते हैं, या जो कुपोषण है यानी कि पोषण को सही मात्रा में ना मिलना किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, गर्भवती महिला हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, तो ऐसे बहुत सारे घटक होते हैं। तो निम्न सामाजिक आर्थिक दशा जिसमें कम आय के अतिरिक्त स्वच्छ परिवेश में आवेश की अच्छी व्यवस्था का ना होना शामिल है, कि जैसे कि सामाजिक आर्थिक दशा में कम आय यानी कि एक तरीके से कम किसी भी व्यक्ति की सैलरी होना, या उसके पास आय का जो साधन है वो बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, तो या इसके अतिरिक्त जो स्वच्छ परिवेश में आवेश की अच्छी व्यवस्था का होना भी यानी कि व्यवस्था का ना होना भी शामिल है। दूसरा, माता पिता की अज्ञानता के कारण भी ऐसी स्थितियां आ जाती है कि माता पिता को भी नहीं पता होता है कि बच्चे को क्या भोजन देना है या कितनी क्वांटिटी में देना है, या कौन सा भोजन कितना अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, या उसे कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उसके जो उसको एनर्जी हो जो या उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि खुद माता पिता को नहीं पता होता है, उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, या उस भोज्य पदार्थ के बारे में या जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनकी जानकारी जो है माता पिता को नहीं हो पाती है। तो ये कंडीशन हो सकती है कि माता पिता शिक्षित ना हो या इनसे रिलेटेड चीज़ें उनको ना पता हो भोजन से रिलेटेड, तो विशेषकर माता की, क्योंकि जो देखिए माता होती है वो बच्चों की पर्याप्त व उचित आहार नहीं मिल पाता। देखिए यानी कि जो माता होती है वो बच्चे का पालन पोषण वही करती है, तो बच्चों को पर्याप्त व उचित आहार जो है वो नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा देखिए इसमें गलत हो गया है, मिल पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ अंधविश्वासों के कारण भी
कुछ पौष्टिक पदार्थों से बच्चे जो है वंचित रखा जाता है कि बच्चे को कुछ पौष्टिक पदार्थ उनको नहीं मिल पाते हैं। या कुछ लोगों का अंधविश्वास होता है कि ये ज़्यादा फूड या जो भी भोज्य पदार्थ है अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो वो बच्चे के लिए हानिकारक है या ये चीज़ बच्चे को नहीं देनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे को नहीं दिया जाता है। तो देखिए अतिसार श्वसन मार्ग के संक्रमण, देखिए थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये आप सही कर लेना। श्वसन मार्ग के संक्रमण क्षय रोग काली खांसी व खसरा जैसे संक्रमण बार बार होने पर पोषण का स्तर एकदम गिर जाता है। यानी कि देखिए जो अतिसार होता है या जो श्वसन संबंधी या श्वसन मार्ग के संक्रमण होते हैं, क्षय रोग है, काली खांसी, खसरा है या जैसे संक्रमण अगर बार बार होते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उससे क्या होता है कि उस बार बार होने पर पोषण का जो लेवल है या जो स्तर है वो एकदम गिर जाता है, डाउन हो जाता है। तो इन बीमारियों के कारण क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशंस में क्या होता है, भूख एकदम जो है कम हो जाती है। क्योंकि देखिए जब शरीर एक्टिव रहता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, तो वो एकदम ऐसा रहता है, कह सकते हैं हसखुश रहता है। लेकिन जब वो कई बीमारियों से घिरा होता है या एक ही बीमारी जब उसको बार बार होने लगती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो शरीर है वो गिरा हुआ सा लगता है उसको। तो इन बीमारियों के कारण भी, क्योंकि देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी ख़राब हो जाता है, तो इन बीमारियों के कारण क्या होता है कि भूख लगनी कम हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति शारीरिक तौर से तो बीमार होता ही है, परेशान होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि भूख जो होती है उसकी एकदम कम हो जाती है। तो वह पर्याप्त भोजन न ले पाने के कारण, क्योंकि वो पूरी जो उसकी क्वांटिटी है या जो उसकी प्रॉपर डाइट होती है उस डाइट में भोजन को जो है नहीं ले पाता, तो एक सही या पर्याप्त मात्रा में भोजन न ले पाने की दशा में कुपोषण को बढ़ावा मिलता है। यानी कि शरीर में जो है प्रॉपर मात्रा में हमें पोषण नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जो उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी डाउन होती चली जाती है, हमारे किसी भी कार्य करने की क्षमता जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो और जिससे क्या होता है कि वो कुपोषण का शिकार होने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि कुपोषण हो सकता है। तो माता की आयु, देखिए ऐसा नहीं है कि जो कुपोषण होता है वो सिर्फ भोज्य पदार्थों को प्रॉपर मात्रा में न लेने के कारण होता है या जो व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सारा रीज़न जो है वो भोजन का होता है। कई बार उसकी शारीरिक एक्टिविटी भी कई बार ऐसी हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो भी उसमें एक ऐसा हिस्सा बन जाता है कि जिसके कारण कुपोषण हो सकता है, या मानसिक तौर से वो डिप्रेशन में हो कोई भी व्यक्ति, तो भी अगर वो भोजन कम ग्रहण करता है या तो क्या होता है कि उसका जो शरीर है वो कमज़ोर होने लगता है। तो माता की आयु 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक होने पर जन्म लेने वाले शिशुओं के पोषण का स्तर अनुचित रहता है, और यह इस स्थिति में माता के पोषण के स्तर में भी गिरावट आ जाती है। क्योंकि देखिए जो 18 वर्ष होती है वो तब तक क्या होता है कि एक शरीर पूरा मैच्योर हो चुका होता है, पूरा डेवलप हो चुका होता है। तो देखिए जो विकास है वो तो धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैच्योरिटी जो होती है वो प्राप्त कर लेता है। तो इसी तरह जब वो 18 से 35 वर्ष जब वो प्राप्त करता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसी तरह धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है। तो उसका असर जो है वो बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। तो माता के पोषण स्तर में भी कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है, क्योंकि वो शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करती है कि कहीं ना कहीं उसको, देखिए अगर कोई घरेलू, अगर वो घर में रहती है और घर का कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक श्रम भी करती है और मानसिक तौर से भी व्यक्ति कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी पावर, जो उसकी डाइट होती है, डाइट में चेंज होना, बहुत सारी चीज़ों को ना खा पाना या इतना टाइम ना हो पाना, तो इससे भी क्या होता है कि पोषण के स्तर में गिरावट हो सकती है। तो दो बच्चों के बीच
तीन या तीन से अधिक वर्ष का अंतराल आदर्श माना जाता है, यानी कि अगर एक बच्चा है तो उसके 3 वर्ष बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग की जाती है। तो ये जो अंतराल यानी जो गैपिंग दी गई है 3 वर्ष के बीच की, वो अच्छी मानी जाती है कि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होते चले जाते हैं तो बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ, देखिए बच्चे का स्वास्थ्य भी इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ से, और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा माता का स्वास्थ्य भी जो है गिरता चला जाता है। तो कम से कम दो बच्चों के बीच में जो गैपिंग होती है कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। और जन्म के समय कम वजन भी कुपोषण व शिशु मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी होता है। कि अगर देखिए बच्चा है और जन्म के टाइम बच्चे का वजन, क्योंकि देखिए जब जो माता भोजन ग्रहण करती है वो कहीं ना कहीं बच्चा उसको बच्चे पर उसका असर होता है, तो अगर वो कम मात्रा में भोजन को लेती है या सही क्वांटिटी में नहीं लेती है या प्रॉपर टाइम से नहीं खाती है या उसके भोजन में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो उसको मिलने चाहिए, तो उसका डायरेक्ट असर माता के साथ साथ बच्चे के ऊपर भी होता है। तो जिससे क्या होता है, बच्चे का कम वजन होना, कुपोषण होना, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स उसको मिल पाते हैं, तो कुछ कंडीशंस में बच्चे का यानी कि शिशु मृत्यु दर के लिए भी वो उत्तरदायी हो सकता है। तो स्टूडेंट, इसके ऐसे बहुत सारे घटक हैं कि जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।